खुशी आती है, परिवार में खुशी आती है। इसी बहाने हमारे आस पड़ोस के लोग एकत्रित होते हैं। देखा होगा हमारे जो यहाँ के लोग थे, सब लोग एकत्रित होकर के आती थे, तो एक सबसे मिलन भी होता है और खुशी का माहौल होता है। तो कितने सालों से बप्पा आपके लगा हुआ है? ये मेरा चौथा साल है। पहले मेरा दूसरी बिल्डिंग में था, वो डेमोलेशन में गई, उसके बाद अभी ये पहले साल है इस सोसाइटी में हमारा। और क्या कहना चाहेंगे पप्पा की विदाई है, तो मन में कितना दुख है और खुशी है कि पप्पा एक बार जाएंगे? जिस तरीके से अपना कोई खास आदमी या परिवार का या घर का सदस्य जब हमको छोड़ करके बाहर जाता है कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए, तो उसी तरीके से दुख होता है कुछ पल के लिए, फिर ये लगता है कि आज नहीं तो कल फिर वापस पप्पा को लाना है, और साल भर इंतजार हम करते हैं कि हमारे पप्पा वापस हमारे घर पर आएंगे। मूर्ति का चयन आप कैसे करते हैं कि कौन सी मूर्ति होगी जो पप्पा आपके घर पर आ रही है? जिस तरह से अभी जो मूर्ति देख पा रहे हैं, इसे आपने क्या देखते हुए चुना था अपने घर पर? नहीं, ये बच्चे लोग की खुशी होती है, वो लोग चॉइस करते हैं कि हमें कौन सी मतलब अच्छी मूर्ति लगती है, तो बच्चे लोग सब परिवार के सदस्य जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, तो जो बच्चे लोग को अच्छी लगती है वो हम लोग लेके आते हैं। आप राजनीति में हैं, तो राजनीति से जुड़ते पप्पा से क्या कुछ आप प्रार्थना करते हैं? मैं सबसे पहले तो पप्पा से प्रार्थना करता हूँ जो ये महामारी है हमारे देश में, सबसे पहले ये ख़त्म हो, हमारे देशवासियों को एकता रहे, अखंडता रहे हमारे देश में, हम सब लोग अच्छे से रहें, सुख समृद्धि रहे, हमारे देश का पूरे वर्ल्ड में नाम हो और हमारा देश सर्वोपरि रहे, ये मेरी मनोकामना है। राजनीति से भी है, काम भी है, काफी व्यस्त रहते हो, तो वो किस तरह से पापा को समय दे पाते हैं और आपको घर में कितना अच्छा लगता है? जिस समय पापा हमारे घर में आते हैं तो एक खुशी का माहौल हो जाता है, और जिस तरह से एक तरह से हमारे माता पिता घर पर आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं तो अच्छा लगता है हमें, उसी तरह से पापा तो सर्व जगत के पिता हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। राजनीति में आप कैसे देखती हैं कि आपके पति अगर राजनीति में काम कर रहे हैं तो वो किस तरह से लोगों की जनता के हित में, जनता की सेवा में काम कर रहे हैं? मेरे पति पर मुझे गर्व है कि अब वो राजनीति से जुड़कर अपने देश की संस्कृति, वेद पुराण, इन सब से लोगों को जोड़कर एक तरह से हिंदुत्व की भावना को जागृत करके देश को अपने विश्वगुरु बनाने की ओर ले जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगी, घर पे पप्पा आए हैं और जिस तरह से मूर्ति का चयन भी आपने किया है, तो क्या देखकर पप्पा की इस मूर्ति का चयन किया? वो पप्पा की जो आँखें मेरे को एकदम रियल लगती है, तो इसके लिए मैंने उनको ऐसे चॉइस किया था, और वो देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्यूट है। तो आज पप्पा की विदाई है, क्या हुआ, खुशी है पप्पा को, पप्पा को विदा करने जा रहे हो या फिर दुखी है इस बात? आई एम रियली अपसेट, मेरे आंखों से आंसू निकलने वाले और मतलब बहुत दिल भारी हो जाता है, फिर बाद में ऐसा लगता है कि हाँ पप्पा आ जाएंगे अगले साल, तो फिर थोड़ा दिल को संभाला जाता है। हम बहुत खुश हैं। क्या कितने टाइम पप्पा के साथ खेलने चले जाते हो या फिर पप्पा के पास रहते हो? मैं तो खेलने चला जाता हूँ, कभी कभी पप्पा के साथ गेम खेलता रहता हूँ। पप्पा के साथ कैसे गेम खेलते हो? पप्पा के पास बैठता हूँ और उनको गेम दिखाता हूँ। और आज पप्पा की विदाई किस तरह करने जा रहे हो? पप्पा के विसर्जन है, तो किस तरह से क्या कुछ तैयारी है? जैसे कोई घर का आदमी, हमारा एक संबंधी आदमी और अच्छा आदमी कोई बाहर जाता है, तब हमें बहुत दुख होता है कि हाँ ये हमसे बहुत दूर जाता है, और उस दुख को फिर हमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि अगले साल वो आदमी आ जाएगा। इसीलिए तो अभी कितनी डांस की कितनी तैयारी, क्योंकि पापा का विसर्जन होता है तो डांस भी करना होता है, डांस के लिए भी तैयार हो? नहीं, मैं तो लड्डू बांटूंगा। हाँ, क्या क्या? मैं तो लड्डू बांटूंगा। लड्डू बांटूंगा, डांस नहीं करते? नहीं।